नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल जैन, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि आज पहली बार अल्फा पोर्टफोलियो का पोर्टफोलियो अपडेट हुआ है। तो अल्फा पोर्टफोलियो स्टेज पर पहुंच गया, अल्फा 2.0 या पोर्टफोलियो 2.0। तो आज हमने पहले पोर्टफोलियो के सारे शेयर्स बेच दिए हैं और नए शेयर्स खरीदे हैं। जितने हम खरीद पाए, लिमिट थोड़ी कम मिली, तो कल पूरा हो जाएगा। लेकिन चलिए देखते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ आज। और जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हर रोज हम आपको अपडेट करेंगे, एटलीस्ट हर हफ्ते अपडेट करेंगे। तो क्या है अल्फा पोर्टफोलियो 2.0 पहला अपडेट है दोस्तों। और बेसिकली अगर आपको समझना है कि अल्फा पोर्टफोलियो क्या बोला है, क्या चीज है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप वीडियो देखिए, AP 1.0 AP 1.1 अल्फा पोर्टफोलियो 1.0 जो सबसे पहला वीडियो है, और फिर अल्फा पोर्टफोलियो 1.1 जो कि हमने कल पब्लिश किया था कि हमारी पहली परफॉर्मेंस कैसी रही 5 हफ्ते की। तो दोस्तों आज 25 सितंबर 2023 हमने एकदम ब्रांड न्यू सेटअप किया है, पुराने शेयर्स बेच दिए हैं, नए शेयर खरीदे हैं। हमने सेम स्क्रीनर जो हमने क्वेरी आपके साथ शेयर भी कर रखी है, क्वेरी वो अल्फा पोर्टफोलियो 1.0 वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी। वो क्वेरी हमने 10 बजे शेयर की, सारे शेयर्स बेच दिए, और 11:30 बजे तक जितनी ट्रांजेक्शन हो पाई हमने सारी की सारी आज कर ली। बाकी जो थोड़ा बहुत है वो हम कल कर लेंगे, लेकिन सारे शेयर्स नए वाले खरीद लिए हम। और दोस्तों जो बचा पैसा जैसे मैं बोला, वो हम कल को डिप्लॉय कर देंगे। शायद आज हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट पे करना जाए पड़ जाए, क्योंकि आज जो हमने शेयर्स बेचे उनका हमें एकदम से लेवरेज, उनका एकदम से मार्जिन नहीं मिला। लेकिन मैंने कहा कि ये चीज़ हमने पहले से एक्चुअली सोची नहीं थी, मे बी अगली बार जब हम अपडेट करेंगे तो एक दिन का गैप देकर करेंगे, पहले दिन बेचेंगे अगले दिन खरीदेंगे। लेकिन फिलहाल हमने आज अपडेट कर दिया, हल्का फुल्का इंटरेस्ट होगा वो तो पे करने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो अल्फा पोर्टफोलियो दोस्तों बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस चीज़ को पहली बार फॉलो करें तो एक लाइन में आपको अगर बताना चाहूँ तो हम एक ऐसा पोर्टफोलियो बना रहे हैं जो कि महीने में केवल एक ही बार टच करेंगे। और ये पोर्टफोलियो हम चाहते हैं कि इंडेक्स जो है, जो मिड कैप, जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, उसको 15% से बीट करे और 30% कंपाउंडेड एनुअली ग्रो करे। तो देखिए कैसा होता है, पूरे 10 महीने की 12 महीने की बात है, 12 महीने में 10-12 हम इसको चेंज करेंगे। हमने 5 लाख रुपए से पोर्टफोलियो शुरू किया था, एंजल वन में ब्रांड न्यू अकाउंट खोला था इस काम के लिए। आज हमने उसमें 50,000 रुपीज ऐड कर दी, क्योंकि हमारा यही प्लान है कि हर महीने उसमें 50,000 रुपए ऐड करेंगे, जिससे कि हमारी कैपिटल भी बढ़ती जाए पोर्टफोलियो के साथ साथ। अगर आपको समझना है ये पोर्टफोलियो तो आप हमारे वीडियोस देखिए पोर्टफोलियो वाले। अगर आप भी अपना ऐसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, अपना पैसा हमारे पैसे पर सीख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। और जो भी अल्फा पोर्टफोलियो उसकी हर एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो इस वीडियो को फॉलो कीजिए। और दोस्तों एक चीज़ मैंने देखी, बहुत ही कंजूसी आप लोग करते हो लाइक करने में, फॉलो करने में, शेयर और सब्सक्राइब करने में। दोस्तों अगर आप इस पोर्टफोलियो को फॉलो कर रहे हो, और आप में से कई सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने इस पोर्टफोलियो की एक गूगल शीट का एक्सेस भी लिया हुआ है मेरे से, फिर भी आप देखते तो हो लेकिन लाइक क्लिक नहीं करते। अगर कोई ऐसी चीज, इतनी जबरदस्त चीज आपको कोई फ्री में दे रहा है, तो उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको देखिए, हर एक वीडियो देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। फाइनली ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। जैसे मैंने हमेशा हर वीडियो में बोला है कि आप अपनी क्वेरी रन करके एक पोर्टफोलियो चाहे तो बना सकते हैं, हमारी तरफ से कोई भी स्टॉक की रिकमेंडेशन नहीं है। वैसे भी बड़े रिस्की रिस्की शेयर से आगे आपको देखिए समझ में आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, कल जो हमने क्वेरी रन की थी, कल जो हमने अपडेट दिया था, उसके हिसाब से हमारे हीरोज थे गोकुल दास एक्सपोर्ट्स और गैब्रियल के दो स्टॉक्स। तो अल्फा 1.1 के ये दोनों हीरो थे, लेकिन 2.0 में हमने इन दोनों में से एक को भी नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया, मैं आपको रीजन बताता हूँ। दोस्तों ये देखिए, गोकुल दास एक्सपोर्ट्स का जो है, ये हमारा नंबर वन हीरो था, 35% गेन वाला, ये इसका डेली चार्ट है। तो एक तरह से हमने 25 डे मूविंग एवरेज यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, इसके ऊपर ही चल रहा है, पर फिर भी मुझे लगा कि थोड़ा नीचे का ट्रेंड है, और इसको अगर क्वेरी में भी नहीं आया तो इसको हमने नहीं लेना चाहा। और लगभग मोर और लेस सेम रीज़न गैब्रियल का भी है, क्योंकि पिछले 25 में से 20 दिन ये भी एक ही जगह पर भटक रहा है, और ये भी नई क्वेरी में नहीं आया, तो इसलिए हमने इन दोनों को नहीं लिया। इच्छा काफ़ी थी लेने की, लेकिन फिर हमने कहा कि जो रूल हमने डिफाइन किया उसी रूल को फॉलो करेंगे। तो इस पोर्टफोलियो में जो सबसे एक अच्छी बात आपको ये दिखेगी कि हर चीज 100% रूल को फॉलो करके की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, चेंजेस इन क्राइटेरिया, हमें थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज करना पड़ा, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन है। वो क्या दोस्तों, जब हमने आज अपनी स्क्रीनर पर क्वेरी रन की, तो
तो हमें चाहिए थे कम से कम 10 स्टॉक्स, लेकिन ओरिजिनल क्राइटेरिया से केवल 5 स्टॉक्स ही आए हमारे पास। तो एक तो चॉइस हमारे पास ये थे कि उन 5 स्टॉक्स को लेके हम पूरे अमाउंट को 20-20% उसमें डिवाइड कर दें, लेकिन क्योंकि मैंने पहले से सोचा था कम से कम 8 स्टॉक्स तो होने चाहिए, तो थोड़ा सा हमने क्वेरी का क्राइटेरिया चेंज किया। क्या चेंजेस किए कि वो चेंजेस आपके सामने मेंशन करूंगा कि वो चेंज करने के बाद में 11 स्टॉक्स मिल गए। एक चेंज हमने ये किया कि मार्केट कैपिटल का जो अपर लिमिट था वो 4,500 करोड़ के बजाय हमने 5,100 करोड़ कर दिया। तो एक तरह से एक चेंज ये, और दूसरा चेंज हमने किया जो 52 वीक हाई पर जो शेयर्स थे, बेसिकली हमने कहा था विद इन 95% ऑफ 52 वीक हाई होना चाहिए, हमने 93% कर दिया। तो इन दोनों लॉजिक को लगा के हमारे पास एक तरह से 4-5 शेयर एक्स्ट्रा आ गए और हमारा टोटल नंबर हो गया 11। लेकिन नेटवर्क पीपल एक ऐसा स्टॉक है जो बड़े बड़े लॉट पे खरीदना पड़ता है, उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। तो टॉप 10 अभी हम आपको दिखाएंगे कौन कौन से टॉप 10 है, और पूरा आपको डिटेल समझना है किस तरह से सिलेक्शन होता है, क्या क्यू अल्फा और पोर्टफोलियो 1.0 आप जरूर देखिए, सब समझ में आ जाएगा। ये तो हमने जब क्वेरी रन की तो ये 10-11 स्टॉक्स आए, और इन 11 स्टॉक्स में एक्चुअली मेरे तो बहुत ही कम नाम सुने में, मेरे को समझ में नहीं आता कि कंपनी कर क्या रही है, पर फिर भी मैंने इन सबको जैसे हमने डिसाइड किया था कि क्वेरी रन की रिजल्ट आया है तो उनको अपडेट ले लेंगे। लेकिन जैसे मैंने बोला नंबर 2 पे जो नेटवर्क पीपल है ये एक्चुअली हम खरीद नहीं पा सकते थे क्योंकि ये बड़े बड़े लॉट्स में खरीदना होता, तो इसको हमने छोड़ दिया, बाकी के 10 स्टॉक्स हमने खरीद लिए। चलिए अब आगे चलते हैं, इन 10 के 10 स्टॉक्स को हमने कहाँ पे खरीदा और क्या परफॉर्मेंस है वो आपको दिखाएंगे। तो मैंने आपका काम, आपके लिए एक आसान काम कर दिया है, मैंने क्या किया है स्क्रीनर में जहां जहां जिस जिस प्राइस पे, तो ये हर एक स्टॉक का आपको 2 विंडो दिखेगा, एक है 30 मिनट्स का विंडो और एक है 1 वीक का विंडो, बेसिकली 30 मिनट चार्ट 1 वीक चार्ट। तो मैं 30 मिनट चार्ट में ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि आज की मान लीजिए कि लगभग 15-16 कैंडल्स हैं, 18 कैंडल्स हैं, तो कितनी कैंडल्स होंगी, 9, 4, 15 कैंडल्स के करीब है। तो आज जब मैंने स्टॉक खरीदा, जितने बजे स्टॉक खरीदा, तो उस समय के बाद से परफॉर्मेंस क्या रही, तो ये प्लस का साइन वहां पे मार्क करेगा जहां पे हमने स्टॉक खरीदा 30 मिनट चार्ट में। और मैं 1 वीक चार्ट भी स्टॉक्स का दिखाना चाह रहा था आपको, तो आपको आइडिया मिलेगा कि पिछले लगभग 2 साल में इन स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया है। तो पहला है जेटीएल इंडस्ट्रीज, तो हमने जहां खरीदा उसके बाद भी काफी ऊपर जाके बंद हुआ, और ये पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस इसकी देखिए, तो ऑब्वियसली क्योंकि 52 वीक हाई पर ये स्टॉक्स हैं तो काफी ऊपर ही होगी। लेकिन अच्छी चीज ये है कि 25 मूविंग एवरेज के ऊपर ही ये स्टॉक चल रहा है, जेटीएल इंडस्ट्रीज। नंबर 2 क्विकली चलते हैं, एमपीएस लिमिटेड। तो दोस्तों ये एक ऐसा शेयर है, तो हमारे पास 2 ऐसे शेयर्स आए जो पिछली बार भी थे इस बार भी हैं। तो इवन दो पिछली बार एमपीएस लिमिटेड ने कोई खास परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन क्वेरी में पिछली बार भी आया था, जो इसलिए जो ऊपर लाइन आ रही है ये हमारे पिछली बार के बाइंग प्राइस पे है, अभी भी उस प्राइस से लो है, लेकिन इस स्टॉक को हमने नहीं बेचा, इसको रिटेन किया क्योंकि ये हमारी क्वेरी में आया है। और इसका 1 वीक चार्ट अगर आप देखो तो 1 वीक चार्ट ऐसा दिख रहा है 2 साल में काफी ऊपर, 500 रुपये से शुरू हो गई, 1600 रुपीज तक गया है। नंबर 3 वंडरला हॉलीडेज। सब लोग वंडरला एटलीस्ट बैंगलोर वाले तो अच्छे से जानते हैं, हम तो अपनी फैमिली के साथ कितना जाते हैं, तो वंडरला हॉलीडेज ने काफी आज छप्पर फाड़ा, एक तरह से आज एक अजब ब्रेकआउट इसमें मिला, इसी वजह से ये हमारी लिस्ट में भी आ गया। और अगर आप इसका देखो तो 30 मिनट विंडो के हिसाब से हमने आज बहुत अच्छे प्राइस पे इसको पकड़ लिया, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर था और हमारे लेने के बाद काफी ज्यादा ऊपर गया, तो इसमें प्रॉफिट हुआ हमें आज। और 1 वीक का चार्ट अगर आप इसका देखो तो बेसिकली 200 से 700 रुपीज तक होकर आ गया, तो पिछले 2 साल में लगभग 3 गुना बढ़ चुका है ये स्टॉक। स्टॉक नंबर 4 के रेटिंग्स। तो के रेटिंग्स अगेन एक ऐसा शेयर है जो हमारे पास पिछले हफ्ते भी था, अल्फा पोर्टफोलियो 1.0 में भी था, लेकिन आज फिर से हमारी क्वेरी के रिजल्ट में आया तो हमने ले लिया, जबकि कोई खास बहुत परफॉर्मेंस इसकी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने डिसाइड किया क्वेरी का रिजल्ट लेंगे। थोड़ा पॉजिटिव है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आज के दिन में कुछ खास नहीं हुआ, इसमें हमने 5,000 रुपीज के शेयर ऐड किए हैं, लेकिन नेट नेट अगर आप देखो तो बहुत अच्छा वी बन के ये पिछले 1-2 साल से ऊपर ही ऊपर, एक ही रास्ता इसको पता है। नंबर 5 सेनको गोल्ड लिमिटेड। तो बेसिकली नई कंपनी, अगर आपके देखो चार्ट भी बहुत छोटा है इसका, अभी वीकली चार्ट इसी अगस्त में शुरू हुआ है, लेकिन स्टॉक एक तरफा ऊपर की दौड़ लगाता जा रहा है, आज हमने जिस प्राइस पर खरीदा उसी प्राइस पर चलता रहा, लेकिन हाँ पिछले 2 महीने में ये स्टॉक 370 से लेकर आज 524 तक है। नंबर 6 कावेरी सीड्स।
कंपनी कावेरी सीड्स कंपनी का देखिए दोस्तों, हमने जिस प्राइस पे खरीदा था उसी प्राइस पे बंद हुआ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है, बहुत ही वॉलेटाइल चार्ट है, लेकिन क्योंकि क्वेरी के रिजल्ट आया तो हमने खरीद लिया इसको। नंबर 7 चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड, एक तरफा मूवमेंट इस स्टॉक में चल रहा है पिछले 2 साल से। अगर आप देखो तो 400 रुपीज से लेके, सॉरी ये 150 रुपीज से लेके 415 से भी ऊपर, तो ऑलमोस्ट 3-4 गुना इस स्टॉक पिछले 2 साल में हो, 1.5 साल में हो चुका है। एक्चुअली ये तो 2023 इसी साल का स्टॉक है, तो पिछले 6 महीने में ये 3 गुना स्टॉक हो चुका है चॉइस इंटरनेशनल। नंबर 8 विमप्लास लिमिटेड, विमप्लास लिमिटेड अगेन थोड़ा सा इस समय एक नॉइजी है, कंसोलिडेशन फेज में लग रहा है, लेकिन अगर आप वीकली कैंडल्स देखो तो न्यू हाइस बनाता जा रहा है, डब्ल्यू पैटर्न से निकल कर आ रहा है, और जो स्टॉक 1 साल पहले 350 पर था आज 770 पर, लेकिन आज बहुत बड़ा ब्रेकआउट है इसमें, फाइनली रेड कैंडल बनी है, तो पता नहीं डिसीजन सही है कि नहीं। पर नंबर 9 प्रकाश इंडस्ट्रीज, प्रकाश इंडस्ट्रीज का चार्ट अगेन आज हमने जहां से खरीदा उसके थोड़ा सा ऊपर बंद हुआ, और ये स्टॉक भी ऐसा है जो कि पिछले 2 साल में 40 रुपीज से लेके आज 137 रुपीज, ऑलमोस्ट 4 गुना 5 गुना स्टॉक हो चुका है, और ये वीक कैंडल भी ग्रीन ही बन रही है, देखें आगे कहाँ जाएगा। और फाइनली नंबर 10 मफिन ग्रीन फाइनेंस, बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी चार्ट, और ये इंटरेस्टिंग इसलिए ऑफ कोर्स आज के डेट में तो एक ही जगह पर भटकता रहा ये स्टॉक, लेकिन अगर आप देखो वीकली कैंडल में तो आज का वीक इसका बिल्कुल कितना ऊपर शुरू हुआ पिछले हफ्ते से, तो एक तरह से बहुत हाई ब्रेकआउट पर ये स्टॉक खुला आज। और ये स्टॉक ऐसा है दोस्तों जो पिछले 1-2.5 साल में 7 रुपये था और अभी 82 रुपीज, तो एक तरह से ऑलमोस्ट 12 गुना ये स्टॉक हो चुका है। तो फाइनली दोस्तों ये हमारी 10 स्टॉक्स की लिस्ट है, और इनका करंट मार्केट प्राइस, ये करंट मार्केट प्राइस वो प्राइस है जिस प्राइस पर हमें क्वेरी ने रिजल्ट दिया था, इनका पी रेशियो, इनका मार्केट कैप, इनका रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप देखो तो मफिन ग्रीन बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी निकल कर रही है, क्योंकि ये बात की जो 2 कंपनीज हैं इनका ROCE तो बहुत ही कम है, 7.87 और 7, लेकिन हमने जैसे डिसाइड किया था क्वेरी में जो रिजल्ट आएगा उसको हम आंख बीच कर ले लेंगे, तो हमने खरीद लिया। और जैसे मैंने पहले बोला MPS लिमिटेड और केयर रेटिंग्स, ये हमारे स्टॉक्स पहले से ही पोर्टफोलियो में थे, इनको हमने आज नहीं बेचा है, बल्कि प्लान ये है इनमें 5,000 रुपीज के स्टॉक ऐड कर देंगे, और आज ऐड किए भी हैं, तो ऐसा नहीं है। तो फाइनली जब हमने पूरी शॉपिंग कर ली आज 11:30 बजे तक काम खत्म हो गया, ये वीडियो हम रात को 9:30 बजे बना रहे हैं 25 सितंबर को, तो ये हमारा स्टेटस है। अगर आप देखो तो करंट पोर्टफोलियो 4.89 लाख का है, कल हम इसको लगभग 5.5 लाख का कर देंगे, और इसमें प्रॉफिट 8,468 रुपीज़ है, तो लकीली पहले ही दिन हमें अच्छा प्रॉफिट मिल गया 1% के करीब का। लेकिन इसमें अगर आप देखो तो केयर रेटिंग मैंने हाईलाइट किया, क्योंकि इसका जो 3,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है ये पहले का प्रॉफिट है तो इस पोर्टफोलियो में कैरी ऑन हुआ है, तो इस बार हम लोग थोड़ा सा ये 3,100 रुपीज़ माइनस कर करके बात करेंगे, लेकिन अच्छा प्रॉफिट आप बोल सकते हैं कि लकी डे रहा हमारा कि प्रॉफिट अच्छा बन गया हमारा। तो ये हमारा पोर्टफोलियो का स्टेटस है। अब पोर्टफोलियो में कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैं हमेशा आपके साथ शेयर करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, आप इससे हमें पोर्टफोलियो की नब्ज पता चलती है, थोड़े प्राइमरी उनके फैक्टर्स पता चलते हैं। तो जैसे मैंने बोला 2 स्टॉक्स हम लोग रिपीट कर रहे हैं, 8-10 में से 8 स्टॉक्स आज ही पॉजिटिव क्लोज हुए, तो एक तरह से आज हुआ क्या दोस्तों, आज सुबह मार्केट गिरी जिस समय, इसीलिए अच्छा उसके एक पॉइंट नीचे आएगा, लेकिन मार्केट गिरी उस समय हमने थोड़े से स्टॉक खरीदने शुरू किए, फाइनली मार्केट चढ़ गई, इसीलिए 10 में से 8 स्टॉक्स आज ही पॉजिटिव में बंद हुए पोर्टफोलियो में। इन 10 स्टॉक्स का एवरेज PE 36 है जो कि काफी हाई है, हाईएस्ट पी मुफिन ग्रीन का हाईएस्ट पी है 115 पी का स्टॉक हमने मैनेजर पहली बार आज खरीदा है, और लेकिन मफिन ग्रीन का रोज रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड केवल 7 ही है, इसीलिए बोल रहा बड़ा रिस्की शेयर है। लोएस्ट PE 10 है प्रकाश इंडस्ट्रीज का, और उस पूरी लिस्ट में एवरेज मार्केट कैपिटल सब स्टॉक का मिला के 2,900 करोड़ है, तो अच्छा खासा डिसेंट साइज है। 5 स्टॉक्स इनमें ऐसे हैं दोस्तों जो पिछले 2 साल में ही 3 गुना हो चुके हैं, तो काफी ज्यादा हाई मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं, इसीलिए कुछ भी हो सकता है, तेजी से नीचे भी आ सकते हैं, और एक स्टॉक ऐसा है जो 10x 10 गुना भी हो चुका है पिछले 1 साल के अंदर ही। वीनस पाइप्स जो हमारा पिछले पोर्टफोलियो का शेयर था दोस्तों, आज वो 15% गिरा, तो हमारी थोड़ी सी उसमें लक खराब रहा,
फॉर्चुनेटली आज उस जिस समय हम बेच रहे थे उस समय वो गिर रहा था, तो लगभग 7% लो पे था जब हमने बेच दिया। लेकिन मैं सोचा आपको एक अपडेट दे दूँ, तो लेकिन एग्जैक्ट अपडेट मैं कल आपको एक शॉर्ट बनाकर डाल दूंगा, क्योंकि सारे के सारे अपडेट के लिए मैं वेट नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि आज हमने पोर्टफोलियो नया बनाया है। MPSL पोर्टफोलियो में है दोस्तों, आज उसने 5% का अपर सर्किट हिट किया, अगेन अ गुड न्यूज। तो अगले कुछ दिन देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हमने थोड़ा सा ऐड कर पाए, तो आज पूरे दिन अपर सर्किट नहीं था, हमने 5,000 रुपीज का इसको फॉर्चुनेटली ऐड कर लिया आज। तो ये हो गया हमारे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। अब की हमारी अल्फा पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। अल्फा पोर्टफोलियो वन ने हमें 5.3% का प्रॉफिट दिया 5 वीक्स में, जो कि बहुत ही अच्छा भाई, यानी स्टैंडर्ड। अल्फा पोर्टफोलियो 2.0 जस्ट स्टार्ट किया है, आज ही 1% का प्रॉफिट है। मैं ये नहीं कह रहा डेली 1% का आएगा, हो सकता है अगले 1 महीने 1% ही हो सकता है, माइनस हो जाए प्लस हो जाए, लेकिन ट्रैक कीजिए आप दोस्तों। और जो कि बची हुई क्वांटिटीज है उनको हम कल ऐड करेंगे, तो एक तरह से कल ये पोर्टफोलियो पूरा हो जाएगा। कल एक शॉर्ट बना के वीडियो डालेंगे और फिर अगले मंडे हम पूरा पोर्टफोलियो की एनालिसिस करेंगे। और फिर जैसे मैंने बोला, हर मंडे हम शॉर्ट्स में अपडेट कर देते हैं अल्फा पोर्टफोलियो का स्टेटस, तो देखते रहिए। और आप में से कई लोग ऐसे हैं मेरे दर्शक जो लाइव परफॉर्मेंस की, जिसको हमने एक्सेस दी हुई है एक्सेल शीट की, आप उसमें डेली ट्रैक कर सकते हैं, पूरी हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं, कितने पे खरीदा, कितने में बेचा, कब क्या चल रहा है। तो उस एक्सेल शीट को आप अच्छे से देखिए दोस्तों, उससे आपको साइकोलॉजी समझ में आएगी, उससे आपको मेथड समझ में आएगा, और आप अपना चाहे तो जैसा भी पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत क्विक अपडेट्स थे अल्फा पोर्टफोलियो के बिहाइंड हमारी साइकोलॉजी का। एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा बहुत जल्दी जल्दी, हाई रिस्क कैपिटाइट आपकी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग हाई रिस्क हाई गेन कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा अल्फा हम लोग जनरेट करना चाहते हैं, और 7,000 स्टॉक्स में से हम एक ऐसा मेथड लेकर आए हैं जिससे हमें 10-11 स्टॉक्स मिल जाएं और हमें फिल्टर क्राइटेरिया आसान हो जाए, तो हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप उसको स्टडी करके कुछ सीख सके। और हाँ, इस पूरी स्ट्रेटेजी में मेरे दिमाग में ये है कि अगर साल भर में 25% मेरा कैपिटल लूज भी हो गया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं रियल पैसा लगा रहा हूँ। प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से 70% है, और 30% प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी 50% से ज़्यादा मेरे बैक टेस्टिंग से मेरे को लग रही है। और हो सकता है 75% भी प्रॉफिट हो जाए, बट इट इज़ वेरी वेरी, मतलब बहुत ही रिस्की या बहुत ही बुरी सोच है वो, और अपनी लर्निंग प्रोसेस है। बट अपना रियल पैसा डाल के एक अकाउंट खोल के मैं पोर्टफोलियो आपके लिए बना रहा हूँ, तो इस जर्नी में मेरा साथ दीजिए, मजा आएगा आपको। हमारे पोर्टफोलियो के 5 फिल्टर्स क्या है, स्मार्ट मनी FIIDI जहाँ पैसा लगा रहे हैं, सेकंड स्मॉल कैप स्टॉक्स क्योंकि वो ज़्यादा तेज बढ़ने के वो ताकत रखते हैं, मोमेंटम में हो, मतलब 52 वीक हाई पर हो, प्रॉफिट जिनके ग्रो हो रहे हैं, और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड हाई हो, एटलीस्ट इन उस ऑर्डर में हो। जबकि आज वाले शेयर में हमने देखा कि ROC हाई नहीं था, पर फिर भी हमारे क्राइटेरिया में आ गया तो हमने ले लिया। तो दोस्तों फाइनली ये वीडियो हमारा समाप्त होने के कगार पर आ गया है, लेकिन अगर आपको ये चीज अच्छी लग रही है, अल्फा पोर्टफोलियो की यात्रा में मजा आ रहा है, तो एक कमेंट तो डालिए दोस्तों कि मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मैं भी ऐसा कुछ करने की सोच रहा हूँ या ऐसा कुछ कर रहा हूँ, तो एक एक तरह से एक मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। और अगर आपको मेरे साथ कनेक्टेड रहकर ये वीडियोस देखने हैं, और कोई आपका क्वेश्चन है वन ऑन वन उसका आंसर चाहिए, तो मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई चार्ज नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उस एक फॉर्म है, उस फॉर्म को भर के एंड में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए आप, तो आपको थोड़ा मेरे साथ वन ऑन वन सीखने का मौका मिलेगा। स्टॉक मार्केट के सारे इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क वाले होते हैं दोस्तों, और अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिनेंशियल फ्रीडम आपका गोल होना चाहिए, आपका गोल ये नहीं है कि अतुल से हमने ये सीखा, फाइनली प्राइमरी चीज ये है कि आपको फिनेंशियल फ्रीडम क्या करके मिलेगी। अगर आपको ये रास्ता अच्छा लग रहा है, वन ऑफ द वेज, तो आप जरूर इसको ट्राई कीजिए, क्योंकि मुझे जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपकी फिनेंशियल फ्रीडम वो मेरे लिए एक सबसे बड़ा टारगेट है, सबसे बड़ा गोल है, उसी में मजा आता है। वैसे मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर तो हूँ नहीं, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए। फाइनली दोस्तों, मेरा चैनल अतुल जैन 73 यूट्यूब पर, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अल्फा पोर्टफोलियो आपके लिए बना रहा हूँ मैं, और अपना प्यार देते रहिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ। इसी के साथ दोस्तों, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन, एक और अल्फा पोर्टफोलियो का पहला जबरदस्त अपडेट आपके लिए लेकर आया हूँ, और मेरे साथ बने रहिएगा, इस यात्रा में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नमस्कार।